नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ही बलूटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस का एक वफादार सिपाही होने के बावजूद उन्हें कभी नेता ही नहीं माना गया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से दीपक बलूटिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हो और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जन मुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकास परक सोच को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारी स्थिति एक उस छात्र के तरह हो गई है जो परीक्षा के लिए तो तैयारी करता लेकिन उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, जो कि बहुत, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो वाकई में बहुत प्रतिभावान है, जो कांग्रेस के आगे बहुत आगे बढ़ सकते थे लेकिन वो भी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए।